वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट सॉल्यूशन। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप एचपी स्मार्ट टैंक 500 ऑल इन वन प्रिंटर के ड्राइवर को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप उस ड्राइवर से स्कैन कर सकते हो और उस ड्राइवर से कैसे आपके प्रिंटर को मैनेज कर सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों पहले आपको इसके ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ जाइए और यहाँ पर आपको दोनों लिंक मिल जाएगा जो आपको एचपी के ऑफिशियल ड्राइवर डाउनलोड लिंक पे आपको लेकर जाएगा। तो अब और उसके साथ साथ यहाँ पर इस प्रिंटर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपको दोनों डाउनलोड लिंक शो हो रहा है, तो मैं पहले वाले डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपको ऑफिशियल एचपी के ऑफिशियल साइट पे लेकर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये support.hp.com साइट पे लेकर आया है। यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर फॉर एचपी स्मार्ट टैंक 500 ऑल इन वन सीरीज। और यहाँ पे आपके जो मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल एचपी स्मार्ट ऐप टू कंप्लीट सेटअप एंड सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करने पर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर आएगा जहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है। यहाँ पे आपको गेट पे क्लिक करने पर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे लेकर जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरे वाला लिंक है, तो यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आएगा। और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है और यहाँ पे गेट पे क्लिक करने पर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल स्टोर में लेकर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओपन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो चुका है। दोस्तों जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल पे प्ले स्टोर होता है, ऐसे ही विंडोज पे भी विंडोज स्टोर होता है जहाँ से आपको इस एचपी स्मार्ट को इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आप विंडोज के पायरेटेड वर्सन यूज कर रहे हो और आपके विंडोज अपडेट ऑफ है तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो आप एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो सर्विस पे जाके आप विंडोज़ अपडेट को ऑन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आके डाउनलोड इजीली कर सकते हो। वो पायरेटेड वर्सन होगा तब भी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर लॉन्च पर क्लिक करके इसे लॉन्च कर लेता हूँ। दोस्तों ये लॉन्च होने के लिए आपके कंप्यूटर को नेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए और वहाँ पे स्पीड भी अच्छे से स्पीड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक अकाउंट, फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से अगर मैं अभी स्किप करता हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पे पहले आपको ऐड प्रिंटर कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कुछ इस ऐप के जरिए कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड प्रिंटर पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्चिंग चल रहा है प्रिंटर ऐड है या फिर नहीं। तो आपके क्या करना है, अभी आपके प्रिंटर को ऑन कर लेना है और आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो प्रिंटर को ऑन करना है और उसके साथ यूएसबी केबल के साथ आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ इस प्रिंटर को कनेक्ट कर देना है। दोस्तों जब तक ये स्कैनिंग होते हैं तब तक प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के और एक पार्ट आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेटेड रहिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है वी कुड नॉट फाइंड योर प्रिंटर इन और इनिशियल सर्च। तो मतलब यहाँ पर इनिशियल सर्च पर मेरे प्रिंटर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मैं USB सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट यूजिंग USB। वन, कनेक्ट द स्क्वायर एंड ऑफ द USB टू द बैक ऑफ द प्रिंटर, मतलब जो स्क्वायर पार्ट है वो उसे प्रिंटर के बैक साइड पर लगाना है। और सेकेंड, देन कनेक्ट द फ्लैट एंड ऑफ द केबल टू एनी अवेलेबल पोर्ट ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के किसी भी अवेलेबल पोर्ट पे आप इसे लगा सकते हो। फर्स्ट टाइम अब आपके जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है उसके साथ डायरेक्ट ही लगाइए, क्योंकि USB हब में कई कई बार इशू होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो USB केबल है वो डायरेक्ट लगाइए। और यहाँ पे देखिए जो मेरे जो प्रिंटर है यहाँ पे शो कर रहा है और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये सेटअप कम्प्लीट हो रहा है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट ऑल आ चुका है। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक कर देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे जो लोडिंग या फिर जो प्रोसेसिंग हो रहा है ये जितने टाइम ले रहा है, हो सकता है कि आपके सिस्टम में इससे भी फास्ट हो या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और आपके नेट के स्पीड के ऊपर, उसके साथ साथ इसके सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब अगर आप इसे टाइम लेता भी है तो आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर आप इसे कट के बाहर आके फिर से आप ट्राई करोगे तो वही सेम टाइम ही लगेगा। दोस्तों अभी ये जो ड्राइवर है ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट पेज निकल सकते हो। मैं अभी के लिए इसे स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंटर लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और पिन का जो लेवल है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहा है, मैं अभी इस वीडियो में स्कैन पार्ट को मैं दिखाऊंगा, तो मैं स्कैन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको फ्री में अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लूँगा। अगर आपके पास पहले से ही एचपी में कोई अकाउंट बना हुआ है तो आप उस अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पे साइन इन कर लूँगा। यहाँ पर मैं मेरा मेल आईडी और जो पासवर्ड है वो दे के मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और ये जो लोडिंग हो रहा है ये बहुत ही बोरिंग ऑप्शन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोर करेगा। अगर आपके कंप्यूटर या फिर सब कुछ में अगर फास्ट हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ये लोडिंग में। बट इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, बट जब फर्स्ट इंस्टॉल करते हो तो टाइम लगाता है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ चुका है और इसका जो इस ड्राइवर का ये जो सॉफ्टवेयर है इसका फुल सेटअप अभी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अभी मैं एक स्कैन करके आपको दिखाता हूँ और उसके साथ बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप फोटो और डॉक्यूमेंट दोनों ऑप्शन है, आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्कैन एरिया एंटायर स्कैन एरिया सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो पूरा स्कैन एरिया है वो स्कैन करेगा। अगर आप आउटपुट कलर चाहते हो तो कलर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और रिजोल्यूशन 300 dpi पे रखना है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है, तो यही अगर आप नॉर्मल पेज को अगर स्कैनिंग कर रहे हो तो 300 dpi परफेक्ट है। अभी मैं प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि इसका कितना टाइम लगता है एक प्रीव्यू आने में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं स्पीड अभी से नहीं किया, ये नॉर्मली जितना टाइम लग रहा है उतना ही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत फास्ट है प्रीव्यू आने में। तो इसके बाद मैं इसे डॉक्यूमेंट करके एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है, फ़ोटो को यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और सेम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो कितना टाइम लगता है देख लेते हैं। मैं इसे भी मैं स्पीड अप नहीं किया, जितना टाइम लग रहा है वही उतना टाइम ही यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम है, एक दो सेकंड का हेर फेर होगा या फिर वही सेम टू सेम है। मैं अभी फाइनल स्कैनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये कितना टाइम लगता है ये एक बार आप देख सकते हो। तो ये फाइनल स्कैनिंग हो रहा है। अगर आपके पास स्टॉपवॉच है तो आप आपके स्टॉपवॉच को ऑन करके इसे देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है। मैं इसे स्पीड अप नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखिए ओरिजिनल टाइमिंग्स कितना लग रहा है। तो तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसी टॉपिक्स के ऊपर और भी ज़्यादा वीडियो अभी आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइल टाइप मैं JPG सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंप्रेशन, अगर आप आपके फ़ोटो को हाई क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी में लेना चाहते हो तो यहाँ से आप कंप्रेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे इसके फाइल नेम जिस नाम पे आप सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसे अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेव हो चुका है। दोस्तों 300 dpi में कैसे स्कैन हुआ, स्कैन क्वालिटी कैसा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैं इसे जूम करता हूँ, तो ये देखिए इसका जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे भी जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए इतने ज़्यादा जूम करने के बाद भी यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी है वो सेम टू सेम है। यहाँ पे क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है।
दोस्तों अभी मैं इसे फ़ोटो सिलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि इसका स्कैनिंग में कितना टाइम लगता है। तो मैं इसे स्पीड अप नहीं कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल टाइम है। तो अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तो आप स्टॉप वॉच चला के देख सकते हो कि कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस HP स्मार्ट ऐप के बहुत सारे और भी जो फीचर्स है उसके बारे में डिटेल्स में बात करूँगा, और उस फीचर्स के जरिए आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पे जो इस स्कैनिंग ऐप में क्या और क्या क्या ऑप्शन है, कैसे आप फोटो को एडिट कर सकते हो, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूँगा तो तब आपके पास फास्ट नोटिफिकेशन आएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, और वहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा।